आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, SSI। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन पे, कि जो हम लोग हेल्थ केयर देते हैं पेशेंट को, उससे रिलेटेड कुछ कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनमें से एक है ये पार्ट SSI, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। आज टोटली इसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। एज यू कैन सी, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, सर्जिकल तो सबको समझ में आता है जिसकी सर्जरी हुई हो, इन्फेक्शन भी सबको समझ में आता है क्या होता है। साइट मतलब वो पोजीशन जहां पर इंसिजन लगा है, इंसिजन मतलब कट, जिस जगह पे कट लगा है अगर उस जगह पे इन्फेक्शन पकड़ रहा है तो उसे कहते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि सिर्फ उस जगह को इन्फेक्शन में कैलकुलेट करेंगे या पूरी बॉडी में अगर इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ रहे, तो क्लियर करना है कंफ्यूजन ये है, बॉडी में पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हेल्थ केयर एसोसिएटेड है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड है या नहीं, उसका सिंपल सा पंडा है, कोई भी इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड तब होगा जब एडमिशन के 72 आवर्स के बाद सिम्टम्स आना शुरू होंगे। इसी तरह से सर्जरी होने के 72 आवर्स के बाद अगर उसको किसी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड सर्जिकल साइड इन्फेक्शन है, नहीं तो हो सकता है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड हो। सपोज आपने पेशेंट को डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज करने के एक हफ्ते के बाद उसको इन्फेक्शन हो रहा है, तो घर जाने के बाद वहां से उसने अगर इन्फेक्शन पकड़ा हुआ है तो वो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन तो होगा बट हॉस्पिटल एक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। तीन चार हेडिंग्स है इसमें, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। पहला हेडिंग, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होता क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। किसी भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स में 5 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, बता सकते हो कौन कौन से? 5 क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, सुना है, पढ़ा हो गया होगा, है ना, ठीक है। तो बता दो फिर, 5 क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन कौन से होते हैं? रेडनेस और स्वेलिंग और पेन और टेम्परेचर, टेम्परेचर हीट, ठीक है, और फंक्शनल लॉस। इस तरह से ऐसे मान लो तुम्हारे हाथ पे कहीं पे इन्फेक्शन पकड़ रहा है, हाथों के फंक्शनल में कमी आ जाएगी तो वो फंक्शनल लॉस है। तो ये 5 हमारे क्या बोलते हैं इनको, क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सबसे पहला है रेडनेस, सबसे कॉमन है, कुछ भी कहीं भी इन्फेक्शन पकड़ेगा सबसे पहले आएगी रेडनेस, उसके बाद उसमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। देन क्या होगा इसमें, होता है हीट। हीट इन द सेंस दो तरह से होता है, एक तो बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है सेप्टिसीमिया की वजह से, दूसरा जिस जगह पर इन्फेक्शन है वहां पे हीट बन जाती है। हम बात कर रहे हैं लोकलाइज्ड हीट की, जिस जगह पर इन्फेक्शन है वहां पे हीट बनेगा, क्यों? क्योंकि वहां पर WBCO लगातार फाइट करते रहते हैं और बॉडी का मैकेनिज्म होता है टेम्परेचर राइज कर देना ताकि जो बैक्टीरिया वायरस है ज्यादातर वहां पे डेड होना शुरू हो जाए। तो ये लोकलाइज्ड हीट की बात कर रहे हैं, ये अगर सप्रेस नहीं होता, सेप्टिसीमिया बनता है तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। देन 4 पॉइंट है हमारा, पेन, लोकलाइज्ड पेन होगा, जगह समझ में आ जाएगी वहां पे पेन है। 5th है लॉस ऑफ फंक्शन, मूवमेंट नहीं फंक्शन, इसलिए क्योंकि अगर आपके कान में इन्फेक्शन पकड़ रहा है, सीवियर इन्फेक्शन है, तो कान के मूवमेंट पे असर नहीं पड़ेगा, फंक्शन पे असर पड़ेगा, ठीक है। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन में इसके अलावा कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जो इसको, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को बाकी इन्फेक्शन से अलग बनाती हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करोगे, सबसे पहला एराइदमा, इसे चाहो तो लिख लो, ये स्पेसिफिकली सर्जिकल साइड इन्फेक्शन के लिए ही है, ठीक है। पहला होगा एराइदमा, दूसरा होगा लोकलाइज्ड पेन, ठीक, जहां पर भी इन्फेक्शन पकड़ रहा है वहां पर पेन होगा और वो लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। देन आएगा अनएक्सप्लेन्ड और परसिस्टेंट पायरेक्सिया, ये पूरा लिखना बहुत जरूरी है। अगर पायरेक्सिया है, जरूरी नहीं है SSI से रिलेटेड हो, और अगर परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। पायरेक्सिया के कई तरह के फीवर होते हैं, इंटरमिटेंट होता है, कुछ सुबह ही आता है शाम को नहीं आता, कुछ शाम को आता है सुबह नहीं आता, कुछ हो रहता है जाता है फिर आता है फिर जाता है, तो वो इसका सिम्टम नहीं। अगर SSI बन रहा है तो एक बार इन्फेक्शन बनेगा और बढ़ता चला जाएगा, तो आपका फीवर होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और अनएक्सप्लेन्ड होना चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड मतलब दूसरा कोई कॉज समझ में नहीं आ रहा है, तो वो SSI को डायग्नोस कर सकता है, ठीक है। देन 4th पॉइंट इसका होगा वुंड डिस्चार्ज,
जहां पर इंसिजन लगा है वहां पे वुंड बनेगा, उस वुंड से किसी तरह का डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे पस आ रहा है या फ्लूइड किसी तरह का लीकेज हो रहा है, तो वो सिम्टम होता है कि आपका सर्जिकल साइट पर इंफेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वुंड का ही रीओपनिंग। इसका दूसरा टर्मिनोलॉजी इसमें बहुत ही गजब का है, इसको बोलते हैं डेहिसेंस, DEHISSENCE, डेहिसेंस मतलब रीओपनिंग। ये कैसे काम करता है, आपने इंसिजन लगाया, इंसिजन लगाने के बाद आपकी स्किन क्लियर दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है, फिर आप इसको सूचर करते हो, सूचर करने के बाद ये एक सिंगल लाइन बन जाती है, ठीक है। एक कंडीशन होती है जिसमें सूचर टूट जाते हैं, अगर सूचर टूट गए हैं और वो स्किन फैल गई है, वो इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो ये डेहिसेंस में नहीं है। डेहिसेंस क्या होता है, सूचर लगे हैं या सूचर निकाल दिए गए उसके बाद भी ये वुंड ओपन हो गया, दो तरह से ओपन होगा, एक तो पूरा का पूरा वुंड ओपन हो जाएगा, या फिर कहीं से ओपन हुआ है और फिर कहीं से नहीं हुआ है, एक तरफ से ओपन हुआ, कहीं से हुआ, कहीं से नहीं हुआ, तो ये बताता है कि इस जगह पर हमारी स्किन सही से टैप नहीं हुई है और ये सर्जिकल साइड इंफेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, ये दिखाता है, ठीक है। इसके दो, एक रीजन और भी हो सकता है, कभी सूचर लगाते टाइम अगर ऊपर के सुपरफिशियल लेयर अंदर को मुड़ गई और अंदर की लेयर आपस में टच नहीं हुई, तो वो कभी भी आपस में हील नहीं करेगा, वो हमेशा गैप बना रहेगा। इस वजह से सूचरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है सर्जरी की। तो अगर सूचर सही से लगे हैं उसके बाद ये वुंड फैल रहा है तो उसको बोलते हैं रीओपनिंग या डेहिसेंस। ये SSI के ही केस में होता है, नॉर्मल अगर SSI नहीं हो रहा है पेशेंट को तो उसका वुंड में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर कहीं इंफेक्शन है तो वो घाव देर से भरेगा, वुंड हीलिंग डिले हो गई, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 3 दिन या 5 दिन के बाद हम स्टिच रिमूव करना, बट वो स्टिच रिमूव करने लायक नहीं है, वुंड फैलता जा रहा है, तो ये डिले हो गई हीलिंग, इसको बोलते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का सिम्टम। समझ में आती है बात, ये कॉमन सिम्टम्स है इन्फेक्शन के और इससे रिलेटेड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के डायग्नोसिस है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको SSI होने का रिस्क ज्यादा होगा। अच्छा एक चीज और, सबसे पहली बात तो SSI में सिर्फ क्लीन केसेस को कैलकुलेट किया जाएगा, जो पहले से इन्फेक्टेड केसेस हैं उनकी सर्जरी हो रही है और उसमें पस क्रिएट हो रहा है उसको हम SSI में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सर्जरी से दिया हुआ इन्फेक्शन नहीं है, वो पहले से ही इन्फेक्टेड केस था। अगर क्लीन केस है तो हम उसको SSI में कैलकुलेट करेंगे, अगर इन्फेक्शन आता है तो, ठीक है। तो अब रिस्क फैक्टर कौन कौन सा होगा, कौन से पेशेंट को SSI होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, एक एग्जांपल बताओ। डायबिटिक, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। डायबिटिक पेशेंट का शुगर बड़ा होता है जो वुंड की हीलिंग को डिले कर देता है और वहां पे इन्फेक्शन बनने के चांसेस बनते हैं। और ओल्ड एज, ओल्ड एज, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। और जिस पेशेंट का इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है उसको SSI के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और कौन होगा, पहले से कोई इन्फेक्शन चल रही है, कोमॉर्बिडिटीज, अगर कोई अलग से कोमॉर्बिडिटीज है, कोई सेकेंडरी डायग्नोसिस है उसको, जैसे कि डायबिटीज, तो उस कंडीशन में SSI के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या बोला था, पहले से इन्फेक्शन चला आ रहा है, तो पहले से अगर इन्फेक्शन होगा तो फिर वो क्लीन केस नहीं हुआ ना, जैसे रेस्पिरेटरी कोई, हाँ ये हो सकता, ठीक है, कोई और इन्फेक्शन हो, सेकेंडरी इन्फेक्शन बॉडी में ऑलरेडी बना हो जिसके साथ सर्जरी करी गई है, तो हो सकता है कि बॉडी को, क्योंकि ये एक्चुअली इधर आ जाता है इम्यूनिटी को डाउन कर सकते इस वजह से, ठीक है। और कौन सा केस होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो सबसे ज्यादा रीजन होता है, एसेप्टिक टेक्निक का यूज नहीं करना, कहीं से हमने इंफेक्शन आने का मौका दे दिया, ये सबसे ज्यादा रीजन होता है SSI होने का। क्यों, क्योंकि इन चीजों को तो PSE में कवर कर लिया जाता है ना, प्री एनेस्थीसिया चेकअप में ही ये चीजें कवर हो जाती, जो नहीं कवर होती वो ये होती, कभी ऑटोक्लेव फेलियर हो गया,
कभी डॉक्टर ने हाथ सही से नहीं धोया, कभी ग्लव्स तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज था, कभी डिसइंफेक्शन सही से नहीं हुआ, बहुत सारे मल्टीपल केसेस है जिससे ये एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं होती और पेशेंट को एसएसआई हो जाता। तो ये एसएसआई के रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा तरीकों से ध्यान देना होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और रिस्क फैक्टर है? और कोई रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन से रिलेटेड? एक है, डीजे स्टेंटिंग होती है। अगर वो स्टेंट हमें तो सील पैक मिला है ना, हम तो मान के चल रहे हैं फुल्ली ऑटोक्लेव्ड है, लेकिन अगर उसका ऑटोक्लेव फेलियर है तो फिर वो एसएसआई का चांस बना देगा। उसमें हमारी गलती नहीं है क्योंकि हमने जो लिया है वो स्ट्राइल लिया है। बट कभी कभी ऐसा होगा कुछ कंपनी रिकॉल कर लेती है, इस बैच नंबर के पूरे पूरे मटेरियल जो मार्केट में है सबको वापस बुलाओ। अब वो ऑलरेडी लग चुके हैं बॉडी के अंदर तो उसका कंपनसेशन देना पड़ता है। अब वो अगर नुकसान करके किसी पेशेंट को सपोज कोरोनरी आर्टरी में स्टंट डाल दिया और उसके बाद वो खराब निकला, कितना बड़ा रिस्क है ना। इसीलिए हम लोग सिर्फ ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स को ही पकड़ते हैं और उन्हीं की चीजों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना। हेलो जी, देन कमिंग टू प्रिवेंशन। अब एसएसआई होने से रोकना ही है हमको, हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक चलेगी, प्रोफिलैक्सिस देंगे, क्या करेंगे। बट होने से रोकने के लिए सबसे अच्छी चीज है प्रिवेंशन। अगर आप उसे पहले से होने से रोक लो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं केस, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। और गाइडलाइंस किसकी दी हुई है? सीडीसी और एनसीबीआई की। ये दोनों ही अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये हर डिजीज कंडीशन से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू करती हैं। इन्हें एनएबीएच ब्लाइंडली फॉलो करता है, एनएबीएच की अपनी गाइडलाइंस नहीं है, ये इन्हीं की गाइडलाइंस को फॉलो करता है। और इनके हिसाब से कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो अप कर लो तो फिर एसएसआई को आप बचा सकते हो। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है बात सीडीसी की गाइडलाइन कहती है, जिस पेशेंट की सर्जरी हो रही है अगर इमरजेंसी केस नहीं है, प्लांट सर्जरी है, तो उसको ये बोलो कि जिस दिन आपकी सर्जरी हो रही है उस दिन अच्छे से नहा के आओ और प्रेफर करो एंटीसेप्टिक सोप को, जैसे कि डेटॉल हो गए, सेवलॉन हो गया, उन साबुनों से आप अच्छे से नहा के आओ, ठीक है। सपोज जैसे किसी का लैब कोली का केस है या पीसीएनएल होना है, वो प्लांट केस होते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं होती है, तो उसमें हम लोग पेशेंट को बोलते हैं आप सुबह ही आ जाना ऑपरेट कर देंगे। तो जब आने से पहले उनको बोलना है कि आप अच्छे से नहाकर आओ और कोशिश करो एंटीसेप्टिक सोप से नहाकर आने की, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब हॉस्पिटल में आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को प्री ऑप असेसमेंट करते हैं हम लोग, प्री ऑप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। प्री ऑप प्रिपरेशन में कुछ खास चीजें आती हैं। सबसे पहले आती पीएसी, प्री एनेस्थीसिया चेकअप। इसमें उनकी पुरानी डिजीज और उनके जो पोस्ट प्री ऑप के ऑर्डर्स हैं, हमें क्या क्या फॉलो करना है, मेडिसिन क्या देनी है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। इनके अलावा हमें क्या क्या करना होता है पेशेंट का, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर 200 mg पर डीएल के नीचे होना चाहिए, समझे। पेशेंट का जब असेसमेंट करोगे तो पेशेंट का आरबीएस हमेशा 200 mg पर डीएल के नीचे होना चाहिए, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो चाहे नॉन डायबिटिक। अगर इसके ऊपर है सर्जरी अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड, फोर्थ थिंग, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर नॉर्मल रेंज के ऊपर है, पायरेक्सिया हो रहा है, फीवर दिखा रहा है, तो इसका मतलब अंडरलाइन कोई ना कोई कॉज होगा, हमें फिर से सर्जरी को डिले करना पड़ेगा जब तक इसका कॉज नहीं मिल जाता, ठीक है। अगर हाइपोथर्मिया में जा रहा है तो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट फिर वो जैसी एनेस्थीसिया दोगे वो कोलैप्स कर जाएगा। इस वजह से उसका बॉडी का टेम्परेचर भी हमें नॉर्मल रेंज में रखना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको फॉलो करने होते हैं सेफ सर्जरी प्रैक्टिसेस। सेफ सर्जरी प्रैक्टिसेस में क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट को आप कायदे से आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बताया था तीन किसी भी नॉर्म्स को आप ले लो, जिसमें से एक यूएचआईडी नंबर उसका होना चाहिए, तो वो क्लियरिफाई हो जाएगा कि आइडेंटिफाई होगा। सेकंड थिंग, उसकी साइट मार्किंग,
ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स अभी नहीं कर रहे हैं, जिस तरफ का ऑपरेशन है उस तरफ हम मार्कर से मार्क कर देते हैं कि इस साइड का है, ताकि कभी भी ये गलती ना हो कि लेफ्ट की जगह राइट का ऑपरेशन हो गया, राइट की जगह लेफ्ट का हो गया। तो ये साइड मार्किंग हमें करना ही है, क्योंकि अगर ये गलती हुई ना तो ये नेग्लिजेंस के केस में जाता है, इसकी कोई माफी नहीं है। कोर्ट में आप कभी नहीं साबित कर पाओ गलती हुई, ये नेग्लिजेंस है, ठीक है। देन आपको चेक करने होते हैं वाइटल्स। वाइटल्स में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर और आरबीएस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी ऊपर नीचे है तो एनेस्थीसिया देने में वो गड़बड़ कर सकता है, इस वजह से हम पूरा का पूरा अवॉइड करते हैं। और आपको वाइटल्स चेक करना होता है प्री ऑप में प्रिपरेशन कराने से पहले। देन पेशेंट घर से आया है तो वो घर के कपड़े पहनकर आया होगा, वो घर के कपड़े पहनाकर आप ओटी के अंदर नहीं ले जा सकते, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा उसके कपड़ों को किस चीज से, क्लीन ओटी ड्रेस से। जरूरी नहीं है कि पेशेंट की ड्रेस स्ट्राइल हो, क्लीन होनी चाहिए, वॉश होनी चाहिए, ओटी की ड्रेस होनी चाहिए, डेडिकेटेड गंदी ना हो, उसको पहनाकर आप पेशेंट को मूव कर देते। देन पेशेंट को मूव करने से पहले आप एक काम करते हो, पार्ट प्रिपरेशन, ठीक है, पार्ट प्रिपरेशन और हेयर रिमूवल करते हो। सीडीसी की गाइडलाइंस कहती है कि हेयर रिमूवल तब तक मत करो जब तक बहुत जरूरी ना, अगर हल्के हल्के से बाल हैं कोई जरूरत नहीं है हेयर रिमूवल करने की, बिंदा सर्जरी करो कोई इशू नहीं है, अगर जरूरी है तो हेयर रिमूवल करो, बट आप रेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रेजर जब चलता है तो बॉडी पे कट लगते हैं और कट लगेगा तो स्किन रप्चर हो जाएगी, इंफेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको यूज क्या करना है, क्लिपर, इसे ट्रिमर भी बोल सकते हो, और हेयर रिमूवल क्रीम, इसको यूज करके आप हेयर रिमूव कर सकते हो, रेजर को यूज नहीं करना, बट रिमूव भी तब करना है जब आपको बहुत जरूरी हो, ठीक है, अगर जरूरी नहीं है तो उसको भी अवॉइड करो, ठीक। देन एक चीज होती है एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, सुना है कभी, सुना है एंटीबायोटिक या फिर एंटीमाइक्रोबियल प्रोफिलैक्सिस, इसका मतलब ये होता है हमें पता है हम इंसिजन लगाएंगे और उसमें रिस्क है इंफेक्शन बनने का, हम पहले से ही एडिक्वेट एंटीबायोटिक इंजेक्ट कर देते हैं इंसिजन लगाने से पहले, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस। बट ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के ऑर्डर के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। दूसरी चीज, डॉक्टर को भी इसको फॉलो करने के लिए गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती है, WHO की गाइडलाइंस है जिसमें एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हुए हैं कि कौन सी सर्जरी में कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और कितनी देर पहले देना चाहिए, 30 मिनट, 40 मिनट, एक घंटे, उतनी देर पहले देना होता है। इसलिए क्योंकि जब आप इंजेक्ट करते हो बॉडी में कोई भी ड्रग, तो एक ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसे, ड्रग का यूज कितना होता है बॉडी में, ठीक है। जैसे कि आपने इंजेक्ट किया, ऐसा तो नहीं इंजेक्शन देते तुरंत उसका असर आना शुरू हो गया, वो बॉडी में डिसॉल्व होगा, किसी तरह से पहुंचेगा, फिर हर सेल तक पहुंचेगा, और जिस वक्त उसकी क्वांटिटी वहां पर सबसे ज्यादा होगी उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब जिस वक्त हम इंसिजन लगा रहे हैं उस वक्त से लेकर सर्जरी पूरी होने तक हम चाहते हैं कि एंटीबायोटिक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां इंसिजन लग रही है वहां पर रहे, तो हमें उसके वहां तक पहुंचने का वेट करना है, और वहां तक पहुंचने के बाद जब तक वो वहां पे रहेगी तब तक के बीच में हमको केस खत्म कर देना है। अगर इससे ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर हमें सेकेंडरी डोज देना है, बट ये रेकमेंडेड बहुत कम केसेस में है, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी हो गई या कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनमें रेकमेंडेड होता है। ज्यादातर केसेस में अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो CDC बोलता है मत करो, अगर करना है तो गाइडलाइन को फॉलो करके जैसा उसमें दिया हुआ है वैसा आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। इसको चेक करना होगा नर्सिंग स्टाफ को PAC में, प्री एनेस्थीसिया चेकअप या फिर प्री ऑप ऑर्डर। डॉक्टर जो प्री ऑप ऑर्डर लिखता है ना कि आप ये पेक करके ओटी में भेजना या ओटी आने के बाद पहले ये होगा, तो उसमें चेक करना है, अगर लिखा है तो उसको फॉलो करना है, नहीं लिखा है तो नहीं करना। देन आप पेशेंट आने के बाद उसको IV कैनुला वगैरह लगाते हो, मेडिकेशन देते हो, उसमें आपको एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है, उसमें इन्फेक्शन नहीं देना है जो आगे चल के सर्जरी के केस में आप उसको नुकसान पहुंचा सके केस को। देन आपको असेसमेंट करना होता है वाइटल्स का, जैसा कि मैंने बताया पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले वाइटल्स के साथ साथ आप जो पांच हमारे वाइटल्स हैं उसके अलावा RBS आप चेक करोगे, RBS के साथ उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस भी चेक करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, OT पहुंचा, BP बढ़ गया,
या हमने देखा है कि पेशेंट जाने के बाद उसका बीपी गिर गया या टेंशन की वजह से तो उसका टेम्परेचर अप डाउन हो गया, जिसकी वजह से हमें ओटी कैंसिल करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये बहुत जरूरी है। देन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस आपका जितने कंसेंट्स हैं या जो डॉक्टर का ऑर्डर है, पीएसी शीट है, पेशेंट को मूवमेंट का है, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट है, ये सारी चीजें, डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, इनको फॉलोअप करके पेशेंट की फाइल को होना बहुत जरूरी है। जब आप इतना कर लोगे तब आपका प्री ऑप प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा, और अगर इतनी चीजें आप फॉलो कर रहे हो तो फिर केसेस में इन्फेक्शन होने का चांस नहीं बचेगा। वो एक चीज छूट रही है, ब्लड रिपोर्ट आप चेक करोगे पेशेंट को ओटी शिफ्ट करने से पहले, उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक करोगे जिसमें उसकी ब्लड रिपोर्ट भी होंगी, ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, दो तीन चीजें सर्जरी केसेस में मैंडेटरी। एक तो ईसीजी, अगर एनेस्थीसिया दिया जाना है तो ईसीजी होना ही चाहिए पेशेंट का, चाहे ऑर्डर में हो या ना हो। दूसरी चीज स्क्रीनिंग, किसी भी पेशेंट की सर्जरी होगी उसकी स्क्रीनिंग होगी, एचआईवी एससीबी एचबीसीजी का, अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसका दूसरा प्लान आउट किया जाएगा। एक तो रिपोर्ट ये चेक करनी है, देन प्री ऑप डॉक्यूमेंट्स, जो प्री ऑप ऑर्डर पेशेंट को दिया गया है वो आपने दिया है कि नहीं, पार्ट प्रिपरेशन कर लिया। एक चीज और है, FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन पेशेंट को दिया जा रहा है उसका फ्रैक्शन कितना है, इसको बोलते हैं FiO2। अगर केस में एनेस्थीसिया दिया जा रहा है और इंट्यूबेट किया जा रहा है, ठीक है, एक चीज मैं कह रहा हूँ, मिस हो गया, मेरे से याद नहीं आ रहा था। जब आप वाइटल्स का इनिशियल असेसमेंट कर रहे हो ना, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के साथ आपको रेस्पिरेटरी असेसमेंट भी करना है कि पेशेंट ठीक से सांस ले पा रहा है या नहीं। अगर रेस्पिरेटरी असेसमेंट ठीक नहीं है, पेशेंट को ओटी कब भी नहीं की जाएगी, तुरंत उसको बाहर दे गए, उसको फिजिशियन के अंडर में डाल के पहले ये ठीक किया जाएगा। क्योंकि जब भी आप एनेस्थीसिया देते हो सबसे पहला इम्पैक्ट रेस्पिरेशन पे आता है, और अगर रेस्पिरेशन रुक गया तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। देन पेशेंट को दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप इंट्यूबेट करके सेडेट करोगे, नहीं तो आप एनेस्थीसिया दोगे बिना इंट्यूबेशन। अगर इंट्यूबेशन नहीं दे रहे हो, रेस्पिरेशन फ्रैक्शन ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर इंट्यूबेट कर रहे हो तो जिस वक्त इंट्यूबेट किया जब तक इंट्यूबेटेड है तब तक फ्रैक्शन ऑफ FiO2 को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और ये देखा गया प्रैक्टिकली कि जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो माइक्रोब्स कम हो जाते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा तेजी से असर पड़ता है, वो डाउन हो जाता है। इस वजह से रिकमेंडेड है CDC की गाइडलाइंस में कि जब तक इंट्यूबेटेड है, केस चल रहा है, FiO2 बढ़ा दीजिए, और उसके बाद जब इंट्यूबेशन खत्म हो जाए तब इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए, पेशेंट की सर्जरी खत्म हो जाए उसको शिफ्ट, ठीक है। याद रखे में कोई डाउट नहीं। चल अब अभी तक तो हमने बात कर ली प्री ऑप और वार्ड की, अब हम ओटी की बात कर लेते हैं। ओटी में क्या क्या चीजें हैं, पहला तो ओटी पूरी तरह से डिसइंफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। डिसइंफेक्शन हम दो तरह से करते हैं, एक तो डीप मोपिंग करते हैं, दूसरा हम करते हैं फ्यूमिगेशन या फॉगिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दो चीजों से हम ओटी को डिसइंफेक्ट करते हैं, पहले हम डीप मोपिंग करते हैं फिर फ्यूमिगेशन करते हैं। रेकमेंडेड क्या है, फॉर्मेलिन बैन है, अगर कहीं भी फॉर्मेलिन का यूज हो रहा है तो WHO ने इसको बैन कर दिया, अब इसको यूज नहीं करना। आपको यूज क्या करना है, डीप मोपिंग के लिए 1% हाइपोसोल्यूशन, फॉगिंग के लिए या डीप मोपिंग पे भी आप यूज कर सकते हो क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड। हर कंपनी का अलग अलग आता है, डाइल्यूशन रेट अलग अलग होता है, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड को आप डाइल्यूट कर लो, उसके बाद उसी से डीप मोपिंग करके उसी से फ्यूमिगेशन भी कर सकते हो, नहीं तो डीप मोपिंग हाइपो से करके फ्यूमिगेशन आप क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड से करके ओटी सील कर दीजिए, पेशेंट अंदर ले जाइए, ओटी कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओटी के सारे स्टाफ की ड्रेस चेंज होनी चाहिए और जोनिंग कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए। जोनिंग कंसेप्ट क्या होता है फिर कभी बताएंगे, बहुत लंबा खींच देगा। ओटी का एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, अगर आप इधर से जा रहे हो तो इधर से वापस आओगे, ज़िगज़ैग फॉलो नहीं कर सकते आप, आपको यूनिडायरेक्शनल फॉलो करना होता है, ठीक है। उस कंसेप्ट को जोनिंग का कंसेप्ट बोलते हैं, ये चीज फॉलो होनी चाहिए। देन आपका जो ऑटोक्लेव मटेरियल है, जो आप डिस्पोजेबल और इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो, वो प्रॉपरली ऑटोक्लेव है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इंडिकेटर्स से। इसमें कुल 5 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो कलर चेंज करके बताते हैं कि ऑटोक्लेव आपका सही काम कर रहा है कि नहीं। अगर इसमें से इंडिकेटर फेल होता है तो उस सेट को यूज नहीं किया जाएगा, दूसरा ऑटोक्लेव करके फिर से यूज किया जाएगा जब तक कलर चेंज नहीं कर देता, ठीक है। चौथा आपका आता है प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक,
कहीं से भी जरा से भी चूक नहीं होनी चाहिए। हर जगह ओटी पे लिखा होता है एंटीबायोटिक्स आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। ये बात सही है, एंटीबायोटिक्स ऑप्शन है बट सब्स्टिट्यूट नहीं। तो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन पहले से देकर आप उसको रोक दीजिए, दूसरी चीज मत कीजिए। पांचवी चीज है एसेप्टिक पोस्ट ऑप केयर। पोस्ट ऑप केयर में आप ड्रेसिंग करते हो, वुंड को ओपन करते हो, उसकी कंडीशन देखते हो, ड्रेन वगैरह होती है वहां पर, अगर उसमें कहीं से आपने इन्फेक्शन दे दिया तो फिर वो एसएसआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब तक पोस्ट ऑप कंडीशन है अवेलेबल तब तक आप उसको मेंटेन करके रखो एसेप्टिक टेक्निक को। इतनी चीजें होना बहुत जरूरी है, ये होगा तो एसएसआई नहीं होगा, अगर एसएसआई होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ से एक चूक होगी जरूर। ओके, जितनी भी समझ में आती है। ओके नाउ अब हम आ जाते हैं फॉलो अप। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के पेशेंट्स का फॉलो अप कब तक करना होता है? सर्जरीज हमारी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है माइनर, एक होती है मेजर और एक होती है इम्प्लांट सर्जरी, ठीक है। इम्प्लांट बेसिकली बोन के अंदर कुछ डाला गया तो बाकी नॉर्मल ऊपर सुपरफिशियल इम्प्लांट है या मैश दिया है तो उस इम्प्लांट को हम इसमें नहीं कैलकुलेट करते, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स को बेसिकली कैलकुलेट करते। माइनर सर्जरी के केस में आपको एक मंथ तक फॉलो करना है पेशेंट को। अगर एक मंथ के अंदर अंदर उसको इन्फेक्शन आ रहा है हम उसे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में ट्रीट करेंगे और उसके बाद उसका फॉलो अप करेंगे, ठीक है। मेजर सर्जरीज जैसे कि हर्निया हो गया या कॉलीलिथियासिस हो गया, इन सब के केसेस में आपको 3 महीने तक पेशेंट को फॉलो अप करना होता है। 3 महीने के अंदर कोई सेप्सिस नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहानी खत्म। इम्प्लांट के केसेस में आपको 1 साल तक इसको फॉलो अप करना होगा। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्वेरी है, 100% एक्यूरेट फॉलो नहीं हो पाता, ज्यादातर कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन इनको पकड़ लेता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट रिकमेंडेड गाइडलाइन 1 साल की है। हम लोग यूजुअली फर्स्ट 3 मंथ को क्रूशियल मानते हैं। पहले 3 महीनों में अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो वो डेफिनेटली एसएसआई है, इम्प्लांट से रिलेटेड है। अगर उसके बाद आ रहा है तो मे बी और मे नॉट का केस चलता है, ठीक है। तो फॉलो अप करने में ये चीज डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन आता है कि आप फॉलो अप कैसे करोगे। फॉलो अप आप ऐसे करोगे कि आपको उनसे पूछना होता है क्या कंडीशन है, उनको एसेस करना। अगर हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो देखकर एसेस कर लोगे, नहीं आ रहे तो फोन करके असेसमेंट करते हैं ठीक हो या नहीं, जो भी प्रॉब्लम होगी वो खुद बताएगा। अगर इसके पॉजिटिव साइंस मिलते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होता है, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन का फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म कौन सा होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, कुछ नहीं करना, सब हटा दो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोस्ट ऑप SSI का फॉर्म दिया हुआ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। उस फॉर्म के पैटर्न को समझ लीजिए कैसे भरना है, उसमें सारी डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। जितनी बार आप फॉलो कर रहे हैं सारी फॉलो अप डिटेल एक ही पेज पे आ जाती है, उसी में आपको फिलअप करते जाना है। जहां कहीं भी इन्फेक्शन का केस होगा उसको उसी में मार्कआउट करते जाना, ठीक है। ये हो गया आपका SSI का फॉलो अप और ये हो गया उसका रिकॉर्ड। बहुत ज्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हवा हवाई बातें समझ में आती नहीं है, जब एक्चुअली करेंगे तभी समझ में आएगा, उसके अलावा समझ में आता है, ठीक है। तो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन का फॉलो अप फॉर्म हो गया। अगर ये फॉर्म फिलअप करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे क्या करूँगा। तो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन में बस इतना ही है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत खतरनाक है। कई बार ऐसा होता है कि इसके इन्फेक्शन समझ में नहीं आते और वो सेप्टिसीमिया बना देता है, पेशेंट सेप्टिक शॉक में भी चला जाता है। तो इस वजह से इसको संभालना बहुत जरूरी है और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, ओटी स्टाफ, सर्जन, डॉक्टर सबकी। किसी एक लेयर पे भी अगर वो मिस आउट हो गया तो फिर वो SSI बना देगा, डेफिनेटली बना देगा। तो आपको क्या करना होता है, आपको चेकअप करना होता है कि आपका स्टेरिलाइजेशन प्रैक्टिस ठीक है या नहीं। उसके लिए बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ओटी और ऑटोक्लेव के लिए कल्चर यूज करते हैं, एयर कल्चर और स्वाब कल्चर। ऑटोक्लेव हो गया या ओटी हो गया, बेड, ट्रॉली, कोई भी जगह पे हम स्वाब खींचकर कल्चर के लिए भेज देते हैं। ये हमें भेजना होता है फ्यूमिगेशन के बाद, जब डिसइंफेक्शन कर लिया है उसके बाद भेजना। पहले ये होता था पहले भेजो फिर बाद में भी भेजो, फिर कंपेयर करो पहले था कि नहीं था, फिर डिसइंफेक्शन, फिर ये सब सारी चीजें ऑब्सोलीट है। डिसइंफेक्शन कर दिया उसके बाद स्वाब ले लो और भेज दो। अगर कल्चर पॉजिटिव आ रहा है मतलब डिसइंफेक्शन फेलियर है, अगर कल्चर नेगेटिव आ रहा है मतलब ओटी इज ओके, कंटिन्यू। एयर कल्चर सिर्फ ओटी में होगा, ऑटोक्लेव में नहीं कर सकते। एयर कल्चर की प्लेट होती है, कहीं पर भी एक जगह रख दो,
15-20 मिनट बाद उसको उठा लो, ले जाओ, कल्चर भेज दो। अगर हवा में कोई माइक्रोब मौजूद है तो इसकी रिपोर्ट में आ जाएगा कि हाँ आपके यहाँ पे कोई माइक्रोब मौजूद है। अगर ऐसा है तो आपको पूरे ओटी का दोबारा से फ्यूमिगेशन करना है। ओटी के अंदर आपके डिसइंफेक्शन की जो प्रैक्टिस है उसकी एक अलग से क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी गाइडलाइंस अलग है, उसमें बहुत सारी चीजें, मोटा मोटा मेन मेन चीजें ये, एक तो जोनिंग, एक आपका ऑटोक्लेव और आपका डिसइंफेक्शन, और तीसरा आपकी एसेप्टिक प्रैक्टिस। ये तीन चीजें आपको कर रहे हो तो आप क्लियर आउट कर रहे हो, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के चांसेस नहीं बने। ठीक है।